सोलन में पिछले कई दिनों से बाइक गैंग सक्रिय है। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने मोटरसाइकिल चोरों को जाल में फंसाने के लिए रणनीति बनाई और अपने सूचना तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर चोरी हुई मोटरसाइकिलों के मामले में पुलिस ने चौपाल से एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और पकड़े गए युवक से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासे युवक ने किए वो चौंकाने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल और चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 चोरों का ये गैंग सोलन से महंगी बाइक चोरी करता था, फिर वो उन्हें आधे दामों में चौपाल के गांव में बेच देता था। उन्होंने बताया कि वह न केवल चोरों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं बल्कि उन्होंने चोरी का बाइक खरीदने वालों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि पकड़े गए बाइक चोरों ऋषभ और पंकज से जल्द ही और कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। पकड़े गए बाइक चोर युवा हैं जो जल्द पैसा कमाने के चक्कर में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जो बाइक्स के कागजातों की फोटोकॉपी करवा कर गांवों में बेच देते थे। लालच में आकर सस्ती बाइक खरीदने वाले भी आज हवालात की हवा खा रहे हैं। आज वो भी उतने ही दोषी माने जा रहे हैं जितने की चुराने वाले। एक चोरी का गैंग बर्स्ट किया है जिसमें जो चोर हैं और जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा है उनको अरेस्ट किया गया है और आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है। इसमें तकरीबन 5 चोरियां हैं और जो मोडस ऑपरेंडी चोरी का रहा है वो व्हीकल थेफ्ट का रहा है। दे आर बिटवीन 22 to 29 और शरारती किस्म के तत्व हैं, क्योंकि इनको थोड़ा जहाँ पे सिक्योरिटी लूप रहता है वहाँ से बाइक का निकाल के हैंडल के पीछे से, उसके बाद फोटो स्टेट के पेपर के बेसिस पे ये बाइक को आगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेट्स पे बेचते थे और एक अश्योरेंस ये देते थे कि अभी कुछ आप एडवांस पैसे दे दें, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स ये उपलब्ध करवा देंगे और पैसे उसके बाद ये ले लेते थे। तो इसमें जो चोरी का सामान खरीदने वाला है वो भी उतना ही गुनहगार है।